अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए बोलता है बाय विच नंबर शुड कितना भी डिवाइडेड, क्वेश्चन देखिए बाय विच नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज गॉटन एज रिमाइंडर। हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा आप लोग। बोलता है बाय विच नंबर शुड कितना भी डिवाइडेड, कितने किस नंबर से हमें डिवाइड करना है, ठीक है किस नंबर से इसे डिवाइड करना है, ध्यान से समझना आप लोगों को। तो हमें गिवन क्या है, क्वार्टर गिवन है, सॉरी ये गिवन है 1365, दैट मीन ये क्या डिविडेंड है, हम बोले तो ए है, ए इक्वल टू 1365 गिवन है। उसके बाद आपके पास क्वार्टर कितना है 31, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 31, एंड आर क्या है आपके पास आर इक्वल टू 32, रिमाइंडर इक्वल टू 32, क्लियर है आपको। अब आपको निकालना क्या है, देन वी हैव टू फाइंड बी, वी हैव टू फाइंड क्या फाइंड करना है, बी फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लिखते हैं पहले ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला है हमारे पास। ए आपके पास क्या है 13.65, बी क्या आपके पास, आपके पास तो बी है ही नहीं, फिर क्यू क्या आपके पास 31, रिमाइंडर क्या आपके पास 32, क्लियर है। अब देखिए 1365 यदि ये अभी प्लस में है तो इधर लेके आएंगे, देखिए ये प्लस में है, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो अभी हम टोटल को यदि इस इक्वेशन को इधर लेके चले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 32 इक्वल टू 31 बी। अब मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे यहाँ पे कहाँ पे गलती करते हैं, इस क्वेश्चन में बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं ध्यान से समझिएगा। इस स्टेप को मैं अभी जस्ट बगल में लिख देता हूँ, 1365 इक्वल टू बी इंटू 31 प्लस 32, बच्चे क्या करेंगे 1365 बाय 31 इक्वल टू बी प्लस 32 करेंगे, ये जब बच्चे करते हैं तो ये गलत हो जाता है, ध्यान से समझिए, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना होगा, ये जो प्लस वाला है इसको हम इधर लेके माइनस करेंगे, यदि अभी आप ये मल्टीप्लीकेशन को डायरेक्ट इधर लेके डिवाइड करना चाहेंगे तो आपका ये क्वेश्चन गलत, ठीक है, ये मिस्टेक आप लोग ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। अब माइनस कर लेते हैं, 5/2 सबट्रैक्ट कर दिए 3, और 6/3 कर दिए 3, फिर क्या आ जाएगा 3 दैट 1 टू, यहाँ पे क्या है 31 बी, क्लियर है आप लोग क्या है 31 बी। अब देखिए 31 है तो 1331 बाय 31 इक्वल टू बी, अब 31 से डिवाइड करके देखिए क्या होता है, 31 डिवाइड 1331 देन 31 टू और भी तो होगा नहीं, 3 4 4 पार में देखिए 31 इंटू 4 4 1 4 4 3 12, हाँ तो आ गया 4 बार 4 टाइम्स में कितना आएगा 1 2 4, देन आपका 13 में 4 सेपरेट कीजिए 9, देन ये 2 बचा 2 में 2 सेपरेट कीजिए कैंसिल कैंसिल 1, देन अब क्या होगा 31 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 3 3 9 3 9 2 1, कितना है आपके पास 43, तो क्लियर है 43 इज इक्वल टू बी, दैट मीन द रिक्वायर्ड नंबर Hence, the required number is कितना आपके पास 43, ठीक है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ये है, अब एक एक करके क्वेश्चन का सोल्यूशन करते चलिए, हम लोग आगे भी पूरे एक्सरसाइज का पूरे चैप्टर का सोल्यूशन करेंगे तो सब कनेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे 31 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे भी
3 3 एंड 3 क्लियर यहाँ तक। तो मैंने 1 लिख दिया था, यही इसका आंसर।